कल हम लोगों ने भूगोल का पार्ट 3 आर्द्रता एवं मेघ देखा था। उसके ढेर सारे भाग हो चुके थे। उदाहरण के लिए 3 चित्र दिखाया था, एक राजस्थान का दृश्य है, एक मुंबई या किसी बड़े शहर का दृश्य है, और फिर तीसरा जम्मू कश्मीर जैसे ठंडे प्रदेश का है। तो इन सब चीजों से हम लोगों ने देखा था अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर अलग अलग मौसम है। यहाँ पर कहीं बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत अधिक ठंड है, बिना स्वेटर के रह नहीं सकते, बर्फबारी होती रहती है, और उसी तरह से गर्मी में उस तरह से दोनों आपस में बातें करते हुए दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, जो पसीने से तर बतर हो गए क्योंकि गर्मी बहुत है। तो ये सब कल हम लोगों ने देखा था। उसके बाद बाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या है, स्लाइड में भी देखा था कि किस तरह से सूर्य की किरणें पानी में जाती है, पानी में वाष्पीकरण की क्रिया होती है, अर्थात वाष्प बन करके पानी मेघों में रूपांतरित होता है, बादल बनता है। तो बादल बनने के बाद फिर वही कुछ दिनों के बाद किस तरह से वर्षा होती है। तो ये जल चक्र पहले के क्लासों में भी हम लोगों ने सीखा था, उसको फिर से मैंने रिवाइज करके बताया। इसके बाद वातावरण की आर्द्रता के लिए एक प्रयोग कहा था, उम्मीद है आप लोगों ने इस प्रयोग को किया होगा घर पे। आर्द्रता क्या कहलाती है, वाष्प की मात्रा वायु की आर्द्रता कहलाती है, अर्थात हवा में वायु में कितने प्रतिशत पानी है या वाष्प है उसी को हम आर्द्रता कहते हैं। और वाष्प जो वायु की वाष्प धारण करने की क्षमता है वह जितनी ज्यादा गर्म होगी उतना ही वाष्प धारण करने की क्षमता अधिक होगी, और ठंडे के समय में जो वायु होती है शुष्क होती है। शुष्क का मतलब मैंने बताया था कि हमारे वो फटके हैं और चेहरे पे भी ये जो पुरानी स्किन है वो झरना शुरू होती है, सूख जाती है, रूखी त्वचा हो जाती है। तो हम लोग वैसलीन या दूसरे ऑयल वगैरह उपयोग करते हैं। और ये प्रयोग बताया था कि एक छलनी लेकर के उसके ऊपर एक स्पंज रखा है, स्पंज के टुकड़े पर हम चम्मच से पानी डालते हैं, तो देखते हैं कितने चम्मच पानी तलक वो सोखता है, और उसके बाद कुछ समय के बाद देखते हैं कि पानी छलनी से नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है, अर्थात स्पंज के पानी सोखने की क्षमता समाप्त हो चुकी है। उसी तरह से वायु में वाष्प को धारण करने की क्षमता होती है, कुछ समय के बाद वायु उस वाष्प को धारण अधिक समय तक नहीं कर सकता, जल वाष्प को धारण नहीं कर सकता, तब वही वर्षा तथा हिम के रूप में वह धरातल पर आता है। ये उसके बाद हम लोगों ने देखा था, ये टेबल मैंने कहा था कि तालिका को पूर्ण करो, इसमें करना क्या था, -5 डिग्री सेल्सियस पे 3.26 ग्राम प्रति घन मीटर वाष्प को धारण करने की क्षमता वायु में होती है, 0 डिग्री पे 4.85, तो 4.85 में से 3.26 घटाया तो 1.59 वाष्प धारण करने की क्षमता का अंतर आया। तो इस तरह से इसमें से इसको घटाना था, 6.80 में से 4.85 को घटा करके यहाँ पे लिखना था कि 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वाष्प धारण करने की क्षमता कितने ग्राम प्रति मीटर क्यूब होती है, उसका अंतर यहाँ पर लिखना था। इस तरह से हर एक में अंतर लिख करके यहाँ पर निकाल करके अंतर यहाँ पर लिखना था। इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है, 1 घन मीटर वायु में कितने ग्राम वाष्प है, इसके आधार पर वायु की निरपेक्ष आर्द्रता की गणना की जाती है। यहाँ पर ये कोहरे का जो वातावरण दिखाई दे रहा है इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा था। विषुववृत्तीय जो प्रदेश होते हैं, विषुववृत्त क्या होता है, जो पृथ्वी ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है उसे विषुववृत्त, मध्य उसका जो है, विषुववृत्तीय प्रदेश में आर्द्रता अधिक होती है निरपेक्ष आर्द्रता, और जैसे जैसे ध्रुवीय प्रदेश की तरफ जाते हैं ऊपर या नीचे के ध्रुव की तरफ, विषुववृत्त से जितना अंतर पर जाएंगे उतनी निरपेक्ष आर्द्रता कम होती जाती है। उसके बाद सापेक्ष आर्द्रता किस तरह से निकालते हैं वो भी हम लोगों ने देखा था, निरपेक्ष आर्द्रता बटे वाष्प धारण करने की क्षमता गुणे सौ, तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए थे, इसके उत्तर भी हम लोगों ने निकाले थे। फिर प्रेशर कुकर की सीटी निकाल करके एक प्रयोग मैंने बोला था अपने माता पिता के मार्गदर्शन में या किसी बड़े के मार्गदर्शन में करना है, या सबसे सरल तरीका था कि जो गर्म चाय हम लोग लेते हैं उसके ऊपर अगर हाथ रखेंगे तो जो वाष्प निकलती है उसमें से, वायु जो निकलती है वाष्प यहाँ पर जाकर के संघनित होती है, थोड़ा हल्का गर्म लगता है लेकिन जब वाष्प यहाँ पर संघनित होगी और वह ठंडा होकर के फिर उसकी छोटी छोटी पानी की बूंदें
हमारे हाथ पर दिखाई देती है। ये छोटा सा प्रयोग या निरीक्षण आप लोग घर पर कर सकते हो। इसके बाद ये भी प्रयोग आप घर पर कर सकते हो, फ्रिज में से कुछ बर्फ के टुकड़े निकाल करके एक ग्लास में रखते हैं या किसी पात्र में रखते हैं। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं उस पात्र के अगल बगल पानी की बूंदे, तो ये पानी की बूंदे कहाँ से आई? तो यह जो हवा के अंदर बाष्प की बूंदे हैं, वायु के अंदर जो मिक्स है, वो अगल बगल का वातावरण ठंडा होने की वजह से, क्योंकि उसमें हम लोगों ने बर्फ डाला तो ग्लास ठंडी हो गई, उसके अगल बगल की जो हवा है वह भी ठंडी हो जाती है, उसके अंदर की वाष्प ठंडी हो जाती है और वो पानी की बूंदों में रूपांतरित होती है। ये भी हम लोगों ने देखा और हमेशा ये प्रयोग हम घर पर कभी भी कर सकते हैं और आप लोगों ने देखा भी होगा इस तरह से। या पानी की बोतल जब हम लोग बिस्लेरी या किसी कंपनी की पानी की बोतल खरीदते हैं, फ्रिज में से जब वो व्यक्ति निकाल करके देता है या कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल निकाल करके देता है, तो उसके बाहर पानी की छोटी छोटी बूंदे हमको दिखाई देती है। इस चीज को भी हमने देखा है। अब संगनन और द्रवण क्या है, ये भी हम लोगों ने देखा था। गैसीय अवस्था की वाष्प का द्रव में जल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को द्रवण कहते हैं। जैसे गैसीय अवस्था में वाष्प थी, वाष्प जा करके यहाँ पर संघनित हुई, संघनित होने के बाद फिर वह जल रूप में रूपांतरित हो जाती है, उसी को हम द्रवण कहते हैं। और जो वाष्प जमा होती है उसको हम संघनन कहते हैं। तो बादलों का बनना और वो संघनन है, एक तरह से बादल बन गए फिर वो संघनित हुए। इस तरह से मेघ में यहाँ तक हम लोगों ने सीखा था। फिर ओस क्या होता है, तुषार कोहरा, जब वायु की जो बूंदे होती है वो जाकर के द्रवण के, द्रवण है तो तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता बढ़ती है और इसके साथ फिर धूल, वातावरण की धूल या कुछ जो सूक्ष्म कण होते हैं उसमें मिल जाते हैं। और जो ओस की बूंदे होती है, इसके बारे में भी बताया था कि सवेरे हम ठंडी के समय में देखते हैं तो पेड़ों पर पानी की बूंदे दिखाई देती है, या कोई गाड़ी खड़ी है बाहर तो उसके ऊपर पानी की छोटी छोटी बूंदे दिखती है, तो बूंदे ओस की बूंदे होती है। उसी तरह से उषार और कोहरा है, कोहरा क्या होता है, उसके अंदर ढेर सारी बाकी हवा के सूक्ष्म कण भी मिक्स होते हैं, इसकी वजह से कभी कभी कोहरा इतना घना होता है, जैसे हम टीवी में समाचार में देखते हैं कई गाड़ियां आपस में लड़ जाती है क्योंकि आगे की विजिबिलिटी कम हो जाती है, दिखाई नहीं देता हमको घने कोहरे के कारण। तो इस तरह से खतरा हो सकता है, ठंडी के समय में बहुत सारे अपघात भी कोहरे के कारण होते हैं और यह ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जाते, जमीन से सटकर होते हैं क्योंकि हवा से भारी होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा मेघ एवं मेघों के प्रकार। मेघ वातावरण में अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं, ऊंचाई के आधार पर फिर मेघ को अलग अलग भागों में बांटा गया था। फिर ये चित्र हम लोगों ने देखा जिसमें सूर्य की किरणें, फिर किस तरह से मेघ बनते हैं, मेघ बनने के बाद ये जल चक्र पहले भी हम लोगों ने देखा, फिर से इसका जिक्र यहाँ पर हम लोगों ने किया, किस तरह से बरसात होती है, वर्षा होती है। मेघों के प्रकार देखा था हम लोगों ने, कम ऊंचाई वाले मेघ, फिर उससे ऊपर गए मध्यम ऊंचाई वाले मेघ, फिर अधिक ऊंचाई वाले मेघ। तो आज हम लोग मेघों के प्रकार पढ़ने वाले, ऊंचाई के आधार पर सबसे पहला है कम ऊंचाई वाले मेघ, फिर मध्यम ऊंचाई वाले मेघ, फिर अधिक ऊंचाई वाले मेघ। अब ऊंचाई के अनुसार यहाँ पर वर्णन किया गया था 7,000 से 14,000 मीटर तक की ऊंचाई वाले मेघ, सबसे अधिक ऊंचाई, सबसे ऊंचे जाने वाले। उसके बाद फिर 2000 से 7000 मीटर तक की ऊंचाई वाले मेघ, फिर 2000 से कम ऊंचाई, मतलब धरती से 2000 मीटर से कम की ऊंचाई वाले मेघ, उनके तीन प्रकार है। और फिर इसका विस्तार कम या अधिक हो सकता है, ऐसा हम लोगों ने देखा था। अब अधिक ऊंचाई वाले मेघ, अधिक ऊंचाई वाले मेघ होते क्या है? यह मेघ मुख्यतः हिम स्फटिकों से बनते हैं। इनका वर्गीकरण सिरस, सिरो क्यूम्यूलस एवं सिरोस्ट्रेटस प्रकारों में किया जाता है। सिरस मुख्यतः तंतुमय होते हैं, सिरो क्यूम्यूलस मेघों का स्वरूप छोटी छोटी लहरों के समूह की तरह दिखाई देता है, सिरोस्ट्रेटस सिलवटों वाली चादर की तरह दिखता है, इनके आसपास कई बार प्रभा मंडल दिखाई देता है। अब प्रभा मंडल, आभा मंडल एक तरह से लाइट है, वो दिखाई देती है। तो वो सबसे अधिक ऊंचाई वाले में 7000 मीटर से लेकर के 14000 मीटर तक के ऊंचाई तक होते हैं, पृथ्वी से ऊंचाई दी गई है। अब ये हिम स्फटिक की तरह होते हैं और इसमें तीन अलग अलग प्रकार दिए, सिरस, सिरो क्यूम्यूलस एवं
सिरोस्ट्रेटस, ये तीन प्रकार की है, और ये तंतुमय होते हैं, रेशेदार जैसे होते हैं, और हवा में लहरों की तरह दिखाई देते हैं, जैसे लहरें पानी की लहरें दिखाई देती हैं, उस तरह से बहुत अधिक ऊंचाई वाले ये मेघ है। अब मध्यम ऊंचाई वाले मेघ क्या है? इसमें अल्टो क्यूमुलस एवं अल्ट्रो स्ट्रेटस मेघों का समावेश होता है। अल्टो क्यूमुलस स्तर के स्वरूप में होते हैं और इनकी रचना तरंगों की तरह होती है। तरंग जैसे करंट बिजली का फ्लो होता है, उस तरह से तरंगों की तरह दिखाई देती है। कई बार सफेद रंग के होते हैं और इनमें धूसर रंग की छटाएं होती है, मतलब बीच बीच में जो शेड होता है वो धूसर रंग का, ग्रे कलर का हो सकता है, और ये मेघ ज्यादातर सफेद रंग के होते हैं। अल्टो स्ट्रेटस मेघ कम चौड़े होते हैं, इनसे सूर्य दिखता है, सूर्य दुनिया कांच में से देखने जैसे लगता है। कभी कभी हम देखते हैं कि ऐसे मेघों के बीच में से सूर्य की किरणें आती हुई दिखाई देती है। आप लोगों ने देखा होगा, अभी मौसम बरसात का है, उन मेघों को आप देख सकते हो। कभी कभी मेघ इतना घने होते हैं कि सूर्य को ढक लेते हैं, और सूर्य की प्रकाश की जो किरणें वह जमीन तक नहीं दिखाई देती, हम तक नहीं पहुंच पाती। और कभी कभी हम देखते हैं कि मेघों के बीच में से भी सूर्य की किरणें हमें आती हुई दिखती है, सूर्य उसके पीछे ऐसा प्रतीत होता है, बहुत ज्यादा ब्राइट दिखाई देता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मध्यम ऊंचाई वाले जो मेघ होते हैं उसकी चौड़ाई कम होती है, चौड़ाई कम होने की वजह से उसका उसके अंदर से सूर्य की किरणें आती हुई हमें दिखती हैं। तो इसे कहते हैं मध्यम ऊंचाई के मेघ। ये लगभग 2000 से 7000 मीटर तक की ऊंचाई वाले होते हैं। अब सबसे ऊंचाई वाले में 7000 से 14000 मीटर धरती से इतनी ऊंचाई होती है। मध्यम ऊंचाई के मेघ धरती से लगभग 2000 से 7000 मीटर की ऊंचाई तक होती है। अब इसके बाद 2000 से कम मीटर ऊंचाई वाले मेघ जो होते हैं उसे कम ऊंचाई वाले मेघ कहते हैं। इनमें 5 अलग अलग प्रकार के मेघ है। कल हम लोगों ने टेबल देखा था, उस टेबल में भी दिया था, उसमें से दिया है स्ट्रोटो क्यूमुलस मेघों में परतें होती है, उनका रंग सफेद से लेकर भूरा होता है। इनमें अनेक मेघों के झुंड दिखाई देते हैं। अभी ये मेघों के अगर प्रकार देखना है तो कम ऊंचाई और मध्यम ऊंचाई वाले इस वक्त हम आसानी से आसमान में देख सकते हैं। अभी वर्षा का मौसम है तो मेघ अलग अलग तरह के किस तरह से होते हैं, इसका ऑब्जर्वेशन, इसका निरीक्षण अगर हम घर से बाहर निकलने का मौका मिलता है सुरक्षित तरीके से तो निकल करके हम देख सकते हैं। स्ट्रेटस मेघों में भी इस तरह का पाया जाता है, इनका रंग राख की तरह होता है एवं नीचे की ओर से ये समतल होते हैं। निम्बोस्ट्रेटस मेघों की परतें मोटी होती है, ये गहरे राख के रंग के होते हैं और इससे रिमझिम वर्षा अथवा हिमपात हो सकता है। हिमपात अर्थात हिम अर्थात बर्फ, बर्फ के टुकड़े भी गिरते हैं इस तरह के मेघों से। कभी कभी यहाँ पर मुंबई में तो नहीं देखा हम लोगों ने, लेकिन गाँव में अधिकतर समय में हिमपात होता है। हिमपात मतलब छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े। इस तरह से अनेक जो मेघों के प्रकार है, कम ऊंचाई वाले मेघ, मध्यम ऊंचाई वाले मेघ और अधिक ऊंचाई वाले मेघ, इनके प्रकारों को हम इस मौसम में आसानी से इसका निरीक्षण कर सकते हैं। क्यूमुलस मेघ क्या है? ये मेघ धरातल से 500 से 600 मीटर की ऊंचाई के बीच ऊर्ध्व विस्तार, ऊर्ध्व मतलब सीधे सीधे ऊपर की तरफ जाते हैं। वायु का जोरदार ऊर्ध्वगामी प्रवाह इन मेघों की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। ये मेघ विशाल और गुंबद के आकार के होते हैं, इनका रंग धूसर होता है। क्यूमुलस मेघ सुहाने मौसम के द्योतक है। मौसम सुहाना हो जाता है, ठंडी हवा चलने लगती है, आनंददायी वातावरण होता है जब क्यूमुलस मेघ मौसम में या हमारे अगल बगल या दिखाई देते हैं। इस तरह के मेघ 500 से 600 मीटर के ऊर्ध्व विस्तार वाले मेघ होते हैं और गुंबद के आकार के हो सकते हैं, इनका रंग धूसर होता है। इन मेघों का ऊर्ध्व विस्तार कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि उनका क्यूम्यूलोनिम्बस मेघों में परिवर्तन हो जाता है और वर्षा होने लगती है। ज्यादातर अचानक जब बरसात शुरू होती है तो इस तरह के मेघ हम देख सकते हैं, क्यूमुलस मेघ देख सकते हैं, संघनित होकर के, बादल संघनित होकर के 500 से 600 मीटर की ऊंचाई से ज्यादा इसका विस्तार नहीं होता, तो काफी नीचे होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि क्यूमुलस मेघ जो होते हैं ये गुंबद के आकार के होते हैं,
इनका रंग धूसर होता है और सुहाने मौसम के ये द्योतक होते हैं। अब इसके बाद क्यूम्यूलोनिम्बस मेघ, ये विशेषतापूर्ण मेघ आंधी के द्योतक है। आंधी का जो मौसम है, गर्मी जैसे ही समाप्ति की ओर होती है, मई मई जून के महीने में गांव में बहुत आंधी आती है, ढेर सारे पेड़ गिर जाते हैं, ऐसा हम लोगों ने देखा है। तो ये मेघ जो है आंधी के देवता का है, काफी काले और गहरे घने रंग के होते हैं, घने होते हैं, ये किसी पर्वत की तरह दिखाई देते हैं। और हम कभी कभी देखते हैं कि कहीं दिशा से आंधी आ रही है, पता चलता है हमको बहुत ज्यादा घने मेघ काले रंग के, और उसकी वजह से पर्वत के आकार के दिखते हैं। इनका ऊपरी भाग निहाई की तरह समतल होता है, इन मेघों में गड़गड़ाहट होती है और बिजली भी चमकती है। तो यहाँ पर कुछ मेघों के प्रकार दिए, किस तरह से सबसे ऊंचाई पे, फिर मध्यम ऊंचाई के मेघ, फिर 500 से 600 मीटर के बीच के मेघ, और मेघों के अलग अलग प्रकार, इससे हम बाहर निकल करके बरसात के मौसम में भी निरीक्षण कर सकते हैं। अलग अलग दिन अलग अलग तरह के मेघ दिखाई देते हैं। तो आंधी तूफान के साथ जब वर्षा होती है तो कभी कभी ओले भी गिरते हैं, पर यह वर्षा अधिक समय तक नहीं रहती। ज्यादातर गर्मी जब समाप्ति की ओर होती है, अपने चरम पर होती है, उस वक्त इस तरह के मेघ दिखाई देते हैं। अचानक मौसम बदल सा जाता है और आंधी तूफान आती है और गरज के साथ छींटे पड़ते हैं या बरसात होती है, और थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे घंटे 2 घंटे के बाद बरसात खत्म हो जाती है। आकाश में सबसे बड़े क्यूम्यूलोनिम्बस मेघों से बिजली की गड़गड़ाहट के साथ वर्षा होती है। इन मेघों के ऊपरी भाग में धन एवं निचले भाग में ऋण प्रभार होता है। इनके नीचे की भूमि हमेशा धन प्रभार के लिए रहती है। प्रभारों के अंतर के कारण विद्युत प्रभार का निर्माण होता है और बिजली चमकती है। हम लोगों ने देखा है धन आवेशित और ऋण आवेशित। यहाँ पर ऊंचाई की तरफ धन आवेशित और नीचे के भाग की तरफ ऋण आवेशित, इनका जो अंतर होता है, हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी इसमें जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा धन और ऋण। साइंस में पार्ट है, जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा फिर से किस तरह से आवेशों के परिवर्तन, जो विभवांतर होता है उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, उसी तरह से ये धन और ऋण मेघों के अंदर ये पॉजिटिव आयन्स होते हैं और यहाँ पर निगेटिव ऋणात्मक आयन्स होते हैं, जिसके कारण विद्युत प्रभार का निर्माण होता है और बिजली कड़कती हुई, बिजली ऊपर से नीचे की तरफ कड़कती हुई हमको दिखाई देती है और पूरा आकाश प्रकाशमय हो जाता है। अन्य मेघों की अपेक्षा इन मेघों से गिरने वाले पानी की बूंदे बड़ी होती है, क्योंकि मेघों के अंदर ही अंदर ये बूंदे तैरती है और बड़ी हो जाती है। बड़ी होते ही आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी बूंदे धरती पर आती हुई हमको दिखाई देती है। इस तरह से बड़ी होते ये इतनी भारी हो जाती है कि मेघों में तैर नहीं पाती और वृष्टि के रूप में भूमि पर आती है। कभी कभी मेघों में वायु बड़ी ठंडी होती है, इसलिए बूंदे जम जाती हैं और ओलों के रूप में जमीन पर आती है, इसे ओलावृष्टि कहते हैं। अब ओलावृष्टि गांव में ज्यादातर ठंडी के महीने में ओलावृष्टि होती है, इसके कारण फसलें बर्बाद हो जाती है, छोटे छोटे बर्फ के पत्थर की तरह गिरते हैं। तो इस तरह से ओलावृष्टि के कारण फसलें खराब होती है, गांव में हम लोगों ने देखा है इस तरह से। थैंक यू, धन्यवाद।